सो हैलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है ऑल न्यू 2023 अपडेटेड जावा 42। इस पर्टिकुलर बाइक में कंपनी ने कई सारे चेंजेस करे हैं और आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में आप लोग जानने वाले हैं कि क्या कुछ चेंजेस इसके अंदर करे हैं बॉडी में, लाइक एज अ कॉस्मेटिक, और जो बदलाव करे हैं वो मैकेनिकली भी है, लाइक जैसे ग्राउंड क्लियरेंस इसका इंक्रीज हुआ है, इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ा है, पावर में भी चेंजेस हुए हैं। तो लेते हैं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड, देन लेके चलेंगे इसको एक फर्स्ट राइड इंप्रेशन लेने कि ओवरऑल जो बाइक चलाने में पहले से कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, कहाँ कहाँ पर इसमें बदलाव जो किए हैं वो आपको फील होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक डिटेल वॉक अराउंड। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में जो हेडलैम्प्स हैं उनमें कोई भी चेंजेस यहाँ पर कंपनी ने नहीं करे हैं, लाइक सिमिलर हेडलैम्प जो है वो डिज़ाइन आप लोगों के लिए रखे गए हैं, जिसमें आप लोगों को हैलोजन लैम्प्स जो है वो मिल जाते हैं, मेन हेडलैम्प और एक पोजिशनिंग लैम्प जो है वो दिए गए हैं। उसके बाद में ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लैक कलर का सर्कुलर यहाँ पर ही जो ब्लैक रिंग दी गई है, इस पर एक थोड़ा सा वो आता था, मतलब कुछ तो यहाँ पर लगा हुआ जो अब नहीं आता है। देन जो सबसे बड़े चेंजेस हैं वो है सस्पेंशन में। तो सस्पेंशन ट्रैवल जो ये बड़ा है उससे इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ा है। तो नए सस्पेंशन यहाँ पर फ्रंट में यूज़ करे हैं जिसका 8mm ट्रैवल बढ़ाया गया है और 8mm ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा है 165mm से, अभी ये 173mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बाइक आपको देती है। कहीं पर भी आप ऑफ रोडिंग वगैरह करने जाएंगे या ख़राब रास्तों पर जाएंगे तो ये काफ़ी इजीली जो है वो निकल पाएगी। देन उसके बाद में यहाँ पर सिमिलर साइज़ के डिस्क ब्रेक्स वगैरह रखे गए हैं, बाइब्रेस लिए हुए डिस्क ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पर हैं, MRF का वही रबर यूज़ करा हुआ है जो पहले यूज़ करते आ रहे थे कंपनी। और अगर इनकी साइज़ की बात करूँ तो 90-90-18 टायर जो है वो फ्रंट में यहाँ पर दिया गया है और रिफ्लेक्टर अगेन हैज़ अ सेफ्टी नॉर्म्स। थोड़ा सा एक छोटा सा चेंज है जो कि बहुत ही ज़्यादा माइनर है, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का आप ये मडघाट दिख रहे हैं, सबसे पहले तो हाँ ये ब्लू कलर नया है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत कलर है, 4 नए कलर के अंदर जो है वो बाइक आई है और मुझे ये पर्टिकुलर ब्लू कलर जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मडगार्ड में जो मैं चेंज बता रहा था वो यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न जो है वो उसका नीचे तक आता था, अब यहाँ पर सिमिलर पैटर्न के अंदर जो है वो मडगार्ड आप लोगों को नहीं मिलेगा, मतलब थोड़ा सा ये चेंजेस जो कर्व डिज़ाइन के साथ में जो है वो कर दिया गया है। पीछे भी मडगार्ड में चेंज है, अपन आगे बात करेंगे। नेक्स्ट जो चेंज इसके अंदर बाइक के अंदर है वो है इसका ये रेडिएटर को रीडिज़ाइन किया गया है, इसका जो ये कैप है इसको भी रीडिज़ाइन कर दिया गया है, थोड़ा सा स्लीक सा पतला सा हो गया है, मतलब ज़्यादा बल्की लुक यहाँ पर नहीं है और एयर सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो, हीट मैनेजमेंट जो है वो कंपनी ने बेटर करी है, वो सब चीज़ों के बारे में अपन अभी चलाते हुए और बात करने वाले हैं। कि यहाँ पर सिमिलर वही है, लाइक जैसे पहले चाबी आती थी वैसे ही चाबी अभी भी इसके अंदर आती है और लगाने का जो पैटर्न है वो भी सिमिलर है, यहीं पे आपको साइड माउंट जो है वो की मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, जो इंडिकेटर है अब यहाँ पर ये वाइट कलर के इंडिकेटर जो है वो आ गए हैं, पहले यहाँ पर ऑरेंज कलर के इंडिकेटर जो है वो आते थे, लाइक जो ऊपर ग्लास आता था वो ऑरेंज कलर का आता था, अब ऑरेंज कलर के जो है वो नहीं है और क्लियर कट आप लोगों को इंडिकेटर जो है वो मिल रहे हैं। इंजन की अगर बात करें तो 2cc का डिस्प्लेसमेंट बड़ा है यहाँ पर और पावर एंड टॉर्क की अगर बात करें तो 26.8 PS की पावर, 27.8 Nm के आसपास, 27.3 Nm के आसपास का टॉर्क है, एग्जैक्ट फिगर आप लोगों को स्क्रीन पे लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। पावर और टॉर्क में बिल्कुल हल्का सा माइनर सा चेंज है, बट कंपनी का ये कहना है कि वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिए गए हैं, हीट मैनेजमेंट जो है उसको और ज़्यादा बढ़िया कर दिया गया है, लाइक अब बहुत कम हीट होती है, बट ये सब जब चलाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, फर्स्ट इंप्रेशन अभी मैं दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मैट फिनिश के अंदर इंजन दिया है, जो कि पहले जो है वो हल्का सा मेटेलिक सा फिनिश या मतलब जो स्मूथ टेक्सचर जो है वो आता था, तो यहाँ पर जो टेक्सचर है वो इंजन का चेंज कर दिया गया है। देन ओवरऑल जो बाइक की फिट एंड फिनिश की मतलब लाइक जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी पहले से इम्प्रूव फिलहाल फील हो रही है मुझे, लाइक ओवरऑल लाइक मैंने आगे यहाँ पर देखा कुछ वायर्स वगैरह देखे हैं तो वायर जो हैं उनका भी कुछ तो चेंज है, आगे हैंडल बार पे अपन चलेंगे तो मैं बताऊंगा। बाकी यहाँ पर ओवरऑल जो डिज़ाइन है, जो फिटमेंट है, जो क्वालिटी वाले मटेरियल हैं, उन सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो बाइक में इन्होंने करे हैं और वो चीज़ फील भी हो रही है। देन उसके बाद में यहाँ पर जावा 42 लिखा हुआ है, आप लोगों को क्लासिक लेजेंड का लोगो मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। पीछे आप लोगों को सेम सस्पेंशन ट्रैवल मिलते हैं, यहाँ पर ट्रैवल भी थोड़ा सा अगर बढ़ता तो अच्छा होता, बिकॉज ये सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा सा कम फील होता है जब आप चलाते हैं दो लोग बैठ के। और पीछे अगेन सिमिलर साइज़ के डिस्क ब्रेक आप लोगों को मिलते हैं, सिंगल पिस्टन ब्रेक कैलिपर रियर में, और जो अलॉय व्हील है वो चेंज कर दिए गए हैं, अब डायमंड कट आप लोगों को अलॉय व्हील यहाँ पर मिल रहे हैं ड्यूल टोन में, थोड़ा सा ये सिल्वर फिनिश है, देन उसके बाद में ब्लैक कलर के अंदर है और काफ़ी खूबसूरत जो है वो ये लग रहे हैं बाइक देखने हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट दिखने में सिमिलर है, बट जो इसका साउंड है, जो एग्जॉस्ट नोट है वो चेंज हो गया है, अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जॉस्ट नोट जो है वो भी सुनाऊंगा।
देन अगर आप फुटपैक्स की बात करें तो फुटपैक्स अगेन सिमिलर हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलेगा। और अगेन रबर की फिट एंड फिनिश वगैरह इट्स ओकेश, कहीं कोई परेशानी आपको हैज़न सच नहीं आने वाली है। और इधर ये आप लोगों के पास में रियर ब्रेक ऑयल के लिए है। देन अगर पीछे टायर साइज़ की बात करें तो 120/80/17 टायर जो है वो पीछे दिया गया है, अराउंड 172 kg के कर्व वेट के साथ में आती है जावा 42। लुक्स वाइज पहले जैसी ही लगती है ऑलमोस्ट दूर से देखने पे, बट जो अगेन ये जो नए कलर आए हैं ये पहले से ज़्यादा बेटर जो है वो बाइक को बना देते हैं। एक जो बहुत ही माइनर चेंज है जो मैंने फील करा, ये जो नट्स है ना इनको भी इन्होंने ब्लैक कलर के अंदर कर दिया। मतलब सभी जगह जो नट्स वगैरह आप लोग दिखते हैं, जैसे मोस्टली आगे अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये आप देख रहे हैं, तो ये ब्लैक कलर के अंदर कर दिए गए हैं। पहले ये सिल्वर कलर के दूर से अलग ही दिखते थे, तो कहीं काइंड ऑफ ब्लैकआउट ट्रीटमेंट जो है वो बाइक को दिया है। फिट एंड फिनिश को और ज़्यादा बेटर बनाया गया है। कैसे छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है वो कंपनी सीख रही है, और वो कंपनी बाइक के अंदर अलग अलग इम्प्रूवमेंट्स कर करके आपको अलग अलग वर्जन्स में दे भी रही हैं। और प्राइस अगेन सिमिलर 1,98,000 रुपीज़, मतलब एक रुपये भी इन्होंने अपग्रेड करने के बढ़ाए नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी बाइक की। मतलब ऐसा होता है ना कि कंपनी छोटा सा इंप्रूवमेंट करती है, सीधे 7,000 रुपये प्राइस हाइक, यहाँ पर कंपनी ने वो चीज़ नहीं करी है। लाइक सिमिलर प्राइस पे जावा 42 को जो है वो सेल कर रही है, ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। पीछे अगर आप आओगे तो आप नोटिस करोगे पुरानी वाली जावा 42 से इसका जो ये अपना मडगार्ड है ये थोड़ा सा लाइक छोटा है साइज़ में, वो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आता था, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। ये आप देख सकते हो मेटल के अंदर है, ये भी अगेन आप लोगों को जो है फाइबर के अंदर मिलता है, ये मेटल के अंदर है, और यहाँ पर ये जो है ये भी आप लोगों को जो है मेटल के अंदर दिख जाता है। और सभी जगह क्वालिटी वाइज जो है वो कहीं पर भी कोई कमी ऐसी अब दिखाई नहीं दे रही है। जो फिट एंड फिनिश हैं, जो लाइक एजेस हैं, वो सभी जगह प्रॉपर तरीके से गैप्स जो हैं वो लग रहे हैं, लाइक जितने होने चाहिए एक्यूरेटली सभी जगह प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर पीछे का लुक जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, अगेन ये क्लियर ग्लास आ गए हैं। LED टेल लैम्प जो है वो आपको अभी भी यहीं पे वैसे ही मिल रहे हैं, लाइक पूरा एकदम सिमिलर ही इसे रखा गया है। साइड में अगर आप देखोगे तो सारी गार्ड अगेन सिमिलर से डिज़ाइन के साथ में है। यहाँ पर अगेन वही अपना ट्विन सस्पेंशन और स्प्रोकेट वगैरह सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। चेन सेम है, यहाँ पर ओरिजिनल जावा 1929 जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो लाइक डिज़ाइन है इंजन की ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही है, पेंट क्वालिटी का मैंने आपको बता रखा है। हॉर्न में इंप्रूवमेंट करे हैं, हॉर्न जो है वो पहले से ज़्यादा लाउड हो गया है और ज़्यादा बेटर जो है वो अब हॉन्किंग ये बाइक कर पाती है, ये चीज़ अच्छी है। और बाकी अपन रेडिएटर की तो बात कर चुके हैं, अब आ जाते हैं बाइक पे ऊपर। तो ग्राउंड क्लियरेंस बड़ा है, फ्रंट सस्पेंशन ट्रैवल बड़ा है, उससे सीट हाइट हल्की सी इंक्रीज़ हुई है, अराउंड 765 या 770 mm के आसपास सीट हाइट जो है वो शायद अब इस बाइक की होगी। एग्जैक्ट फिगर कंपनी ने कहीं पर भी रिवील नहीं करें, बट अगर मुझे बाद में कभी पता चलते हैं तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। पीछे ग्रेबरेल अभी भी इसमें नहीं आती है, साइड में ही यहाँ पर ग्रेबरेल जो है वो रखी गई है, तो इस तरफ आपको यहाँ पर जो है वो पकड़ के बाइक के ऊपर बैठना पड़ेगा। देन उसके बाद में अगेन यहाँ पर भी जो स्टिचिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, और जो यहाँ पर ये देख सकते हो आप शेप जो बना हुआ है सीट के ऊपर वो भी अच्छा लग रहा है देखने में। टैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अपग्रेड है, बट ये अपग्रेड मतलब लाइक शेप वाइज तो है ऑफकोर्स, उससे थोड़ा सा टैंक की साइज़ छोटी हुई है। लाइक पहले 14 लीटर का टैंक आता था, अब 12.5 लीटर का टैंक जो है वो अब इसके अंदर बाइक के अंदर कर दिया है। टैंक साइज़ कम होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसा कंपनी का कहना है, कि माइलेज जो है वो भी हल्का सा इंक्रीज़ हुआ है, जो इंजन में उन्होंने चेंज करे हैं, स्मूथनेस वगैरह जो है वो थोड़ी सी बड़ी है। तो खैर लाइक ये जो बाइक है वो मोस्टली सिटी ट्रैवल के लिए काफ़ी अच्छी है, तो टैंक साइज़ का मुझे इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि 1.5 लीटर अगर कम हो गया तो चलता है। मतलब अगर जैसे 14 लीटर से 10 लीटर कर देते तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता। बाकी तो आप लोगों देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को ये अगेन पेंट मिलता है, मतलब लाइक कोई टैंक गार्ड वगैरह नहीं मिलता है, एज एन एक्सेसरीज अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अब अगर हैंडल बार पे देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास में अगेन सिमिलर स्विचेस मिलते हैं, जैसे इधर अगर आप देखोगे तो ये क्लच अगेन बढ़िया ट्रैवल है इसका, और यहाँ पर हाई बीम लो बीम और पास स्विच, इधर ये सारे स्विचेस जो हैं वो आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चलाने के लिए है, टर्न इंडिकेटर और ये हॉर्न। देन इधर अगर आप देखेंगे इंजन किल स्विच, हज़ार्ड लैम्प का स्विच और अपना ये सेल्फ स्टार्ट का बटन जो है वो दिया गया है। ये ग्रिप भी जो है वो काफ़ी अच्छी है और लाइनिंग वाली डिज़ाइन अच्छी लगती है, रबर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ग्लास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बार एंड मिरर आप लोगों को ऑप्शनल है, लाइक अगर हैज़न एक्सेसरीज आपको परचेस करने आप कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल वाले मिरर जो है वो अब आप लोगों को बाइक के अंदर मिलेंगे। अब मैं आप लोगों को इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो एक बार दिखा देता हूँ की ऑन करके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका, और यहाँ पर स्पीडोमीटर दिया गया है। यहाँ पर सारे आप लोगों के पास में लाइट्स हैं, लाइक न्यूट्रल का, इंडिकेटर का, ABS का, टेम्परेचर वार्निंग, बैटरी वार्निंग, टर्न इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम, और इधर आप लोगों के पास में माल फंक्शन लाइट और फ्यूल टैंक का। RPM मीटर भी दिया गया है, ऑडोमीटर इधर है, गियर
कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताएगा। इधर आपके पास में टाइम बता रहा है, फ्यूल कितना है वो यहाँ पर दिखाएगा। ट्रिप ए ट्रिप भी अगर आपको देखना है कुछ ऐसे तो वो आप देख सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं। ट्रिप ए ट्रिप भी को आप यहाँ पर इन स्विचेस से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल। तो काफ़ी सिंपल सोबर डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर अंदर एक लोगो है, यहाँ पर जावा लिखा हुआ है। हैंडल बार की जो फिटमेंट है वो भी चेंज करी गई है, थोड़ा सा और ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। और साथ ही यहाँ पर ये जो नट्स खुले दिखते थे उनके ऊपर अब ये कैप लगा दी गई है, लाइक एलन की जो लगती थी यहाँ पर नट्स के अंदर उसके ऊपर ये कैप लगा दी गई है। तो छोटी छोटी चीज़ों का जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कंपनी ने ध्यान रखा है और बाइक को और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करी है। अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में जो है जावा 42 कैसी फील होती है। उससे पहले मैं आपको एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। तो ये जो साउंड है इसका आइडियल साउंड है। तो साउंड जो है वो पहले से मतलब लाइक जो डिफरेंस है वो बेस में आपको फील होगा कि लाइक हाँ बेस जो है वो गाड़ी का बड़ा है, थोड़ा सा बेसी साउंड कर रहा है, थोड़ा सा मतलब एग्जॉस्ट ऐसे जो होता है ना मतलब दबावा साउंड आता है वैसा, मतलब दबावा वो वाला नहीं कि मतलब हाँ कम आ रहा है या दब दब के आ रहा है, मतलब एक बढ़िया सा मतलब एकदम अच्छा सा साउंड जो है वो निकल के ये बाइक आपको दे रही है। तो मतलब ऐसे वो रॉ वाली फील आती थी ना मतलब एकदम कर्र करके, वो वाली चीज़ अब खत्म हो गई है, मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो गया है साउंड, वैसी वाली वाइब आ रही है। अब वो आपको रियली जाके सुनना पड़ेगा, माइक में से समझ में नहीं आएगा, मेरे को जो फील है वो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं और चला के देखते हैं। चलो तो चलते हैं और चला के देखते हैं ऑल न्यू 2023 जावा 42। तो आप लोगों ने ब्लू कलर देख लिया, ये एक और नया कलर है, कॉपर कलर जिसको बोलती है जावा। तो इसको चला के देखते हैं और जो चेंजेस वगैरह हुए हैं इंजन वगैरह में वो कैसे फील होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अर्गोनॉमिक इशू ये इसका जो ये स्टैंड है, इसको लगाना और खोलना लाइक वो थोड़ा सा टफ है, बिकॉज़ ये साइलेंसर से पैर अड़ता है और जो इसके फुटपैग्स हैं, अब जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ बाइक पे तो ये ऐसे मेरे पैरों से टच होते हैं, तो ये प्लेसमेंट जो है वो थोड़ी सी और बेटर की जा सकती है। और क्लच दबाते हैं तो ही सेल्फ आप मार सकते हो, बिना क्लच दबाए आप सेल्फ नहीं मार सकते हो। खैर ये अच्छा एक सेफ्टी फीचर है, अदरवाइज कभी गलती से गियर वेयर में हो, वैसे तो लगता नहीं है बट अगर कभी हल्का सा ऐसे हाथ प्रेस करके और लगा दिया तो गाड़ी गिरने का डर रहता है। तो सबसे पहले बाइक का स्वीट स्पॉट टेस्ट करते हैं। फर्स्ट गियर 20 पे चेंज, सेकेंड गियर 32, थर्ड गियर 46, फोर्थ गियर 63, 64, फिफ्थ गियर 78, 80 के आसपास, सिक्स्थ गियर 6। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है इन बाइक्स पे, ये एक इशू रहता ही हमेशा। और अब सस्पेंशन ट्रैवल बढ़ गया है, हाइट भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है इसकी, तो लाइक हाँ आप 90-100 की स्पीड पे क्रूज कर सकते हो इस बाइक पे। वाइब्रेशंस डेफिनेटली फुटपैग्स में फील हो रहे हैं मुझे, बट वो मैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले से डेफिनेटली कम है। तो भाई ये 90-100 के आसपास जो है वो आप इस पर क्रूज कर सकते हो। हीट का इशू अभी भी है ऑफकोर्स, लाइक अगर आप सिटी में स्लो चला रहे हो तो आपको हीट जो है वो महसूस होगी। टॉप एंड एक बार मार के देखता हूँ मैं। एक्चुअली विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर टॉप एंड मार ही नहीं पाऊँगा मैं। मैंने एक थोड़ा सा ट्राई करा है, आप लोग देख लो वो फुटेज यहाँ पर आपको दिख जाएगी। सस्पेंशन जो है वो काफ़ी अच्छे फील हो रहे हैं यहाँ पर हाईवे पे, तो स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है बाइक की, बट फ्रंट एंड अगेन थोड़ा सा लाइट फील होता है और बॉगलिंग इफेक्ट जो है वो आ जाता है अगर आप 120 जैसे ही क्रॉस करते हो। मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ अदरवाइज मेरी आवाज़ ही नहीं आएगी आपको। एंड मिरर से व्यू भी ऑलमोस्ट 50-60% आता है, अदरवाइज आपके शोल्डर जो है वो थोड़े दिखते हैं। अर्गोनॉमिकली बाइक सॉर्टेड है, सभी चीज़ें रीच में हैं, बटन वगैरह कोई परेशानी नहीं है। जो हल्के से भी मतलब लाइक फंबल वगैरह यहाँ पर है, मतलब थोड़ा सा भी मतलब अंडुलेशंस हैं रोड पे, वो सब चीज़ें आपको फील होते हैं। तो रियर सस्पेंशन जो है उनका ट्रैवल अगेन सेम है, वो थोड़ा और बेटर जो है वो किया जा सकता था।
तो अब चलते हैं, मैं आपको सिटी में मिलता हूँ कि सिटी ट्रैफिक वगैरह में जहाँ ये बाइक चलाने के लिए बनी है वहाँ पर ये बाइक कैसा परफॉर्म करती है। तो गाइज अभी जैसे मैं हाईवे पे क्रूज करते हुए इधर आया हूँ ना, तो सीन पता ही क्या ये फील हो रहा है कि यहाँ पर जो मिरर्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस है। तो अगर मैं 100 की स्पीड पे भी क्रूज़ कर रहा हूँ तो इन मिरर्स पे मुझे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एकदम ब्लर दिखाई दे रहा है पूरा, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशंस जो है वो वहाँ पर फील हो रहा है। तो अगेन यहाँ पर भी अभी रूम बाकी है कि इसको कंपनी सॉर्टेड जो है वो कर सकती है। बाकी अगेन वही है, 90-100 की स्पीड पे ही आपको क्रूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पर भी वाइब्रेशंस जो है वो फील होंगे। सबसे ज़्यादा फुट पैग्स में फील होते हैं, हैंडल बार पे पहले के कंपेयर में थोड़े कम हो गए, बट अगेन है। और साउंड अगेन इट्स ओके ईश, मेरे को पहले वाली बाइक का पता नहीं क्यों साउंड थोड़ा ज़्यादा बेटर फील हो रहा था। सिटी में परेशानी नहीं आएगी आपको कुछ भी, मतलब यहाँ एकदम मस्त बाइक जो है सही स्वीट स्पॉट पे अपने चलेगी, बट वही है कि वाइब्रेशंस जो है वो तो आपको फील होंगे, तो क्या ही स्वीट स्पॉट। इस पे कंपनी को वर्क करना चाहिए, लेकिन खैर करा है पहले वाली बाइक से बहुत ही ठीक ठाक वर्क कर लिया इन्होंने, बट अगेन जैसे ये डाउन शिफ्ट मारती रहती है बार बार, मांगती है लाइक अप शिफ्ट करो डाउन शिफ्ट करो, तो वो एक चीज़ है लाइक एकदम जब आप ट्रैफिक में होते हो तो आपको बार बार अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट मारते रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली। अभी जैसे अगर मैं 6th गियर में आ गया हूँ, खैर 6th की बात छोड़ देते, चलो 5th गियर में चलाते हैं, ठीक है। तो 5th गियर का सीन ये है कि अगर स्लो करिए अभी 50-60 की स्पीड पे, अब यहाँ पर अगर रेस दी ना तो मेरे को डाउन शिफ्ट मार के रेस देनी पड़ेगी तो उठेगी, अदरवाइज फिर लीनियर पावर एक्सेलरेशन जो है वो होता है बाइक के अंदर, वो एक बात है। लाइक ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, बट अगर आपको ऐसे ना कि आप फास्ट राइडर है लाइक फास्ट चलना पसंद करते हैं, वहाँ पर आपको फील होगा कि आपको इसके अंदर बार बार अपशिफ्ट या डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। एज एन सच अगर आप नॉर्मल राइडर है कि हाँ आपको एकदम मज़े करने हैं बाइक के अंदर, जैसे ये बाइक चलाने के लिए बनी है कि आराम से आप सिटी में फुल मज़े लो, वहाँ पर आपको एक भी परेशानी इस बाइक के अंदर नहीं होगी, सिवाय थोड़ी सी हीट जो है वो डेफिनेटली पैरों में फील होगी, उसके अलावा बाइक जो है वो आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हो, मज़ा आएगा आपको। तो ये सभी चीज़ें हैं, ओवरऑल सस्पेंशन अगेन पीछे वाला थोड़ा सा स्टीफर साइड्स, ब्रेक जो है वो अगेन डिसेंट बाइक्स आपको ऑफर करते हैं, दोनों ब्रेक को अगर आप साथ में यूज़ कर रहे हो बाइक को आप अच्छी तरीके से रोक लोगे, कोई परेशानी एज एन सच जो है वो नहीं आएगी आपको, ये एक बात है। कॉर्नरिंग वगैरह जो है वो भी टायर की ग्रिप वगैरह अच्छी है, तो ग्रिप अच्छी है और बाइक भी सॉर्टेड है, पोजीशन अपराइट है एकदम, कंफर्टेबली क्रूज कर सकते हो, लीन वगैरह करनी है तो वो भी थोड़ी बहुत आप आराम से कर सकते हो, मतलब लाइक प्ले कर सकते हो बाइक से। और माइलेज की अगर बात करें तो अराउंड 25-30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का माइलेज मिलेगा, और माइलेज टेस्ट अगर आपको चाहिए कि डेडिकेटेड में करूं तो वो डेफिनेटली फॉर श्योर आप लोगों को कमेंट्स करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा कमेंट्स उतनी जल्दी माइलेज टेस्ट करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो ये रही एकदम से हार्ड ब्रेकिंग, बाइक हुई कंट्रोल बट अगेन आगे से थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंसिंग जो है वो और अच्छी की जा सकती थी, मतलब हिल जाती है बाइक ऐसे आगे से। तो गाइज ये था मेरा फर्स्ट राइड इम्प्रेशन ऑन ऑल न्यू जावा 42 2023 OBD2 BS6 2। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, और कुछ इस बाइक से रिलेटेड पूछना है नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ड्राइव सेफ गाइज, राइड सेफ।